सो दोस्तों आज तारीख है 3 और दिन है फ्राइडे का। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि मतलब भैया की तबीयत नहीं ठीक है हमारे लिए जेके, तो हम लोग को कानपुर जाना पड़ा है इमरजेंसी में, अदरवाइज हम लोग जाते हैं होली पे। तो बस जल्दी जल्दी सब काम हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने पास्ता उबाल के रखा है, आप देख सकते हो ये वाला पास्ता है। तो और यहाँ पे प्याज या हो गया तो जैसे टमाटर कैप्सिकम डाल देते हैं। तो मैंने सोचा ना भाई हम लोग को इस समय 9:30 बज रहा है और 10:30 तक निकल जाएंगे। बस ये नहा चुके हैं, हनु रेडी हो चुका है, बस मैं ही रेडी हूँ ना बाकी हूँ। तो मैंने कहा पहले ये बना ले, तो जस्ट नहा के कपड़े पहन लेंगे बस। ऑफिस में पैकिंग रात में करी ली थी, तो बस पास्ता बना रहे हैं कि ये नाश्ता करके हम लोग चले जाएंगे। बाद में तो घर जाके कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मैंने चलो आपको बता देते हैं कि आज हम लोग कानपुर जा रहे हैं और फिर होली मना के आएंगे। ये हो सकता है चले आए, लेकिन मैं जो हूँ मैं फिर नेक्स्ट संडे तक आऊंगी। तो आपको ससुराल और महका और होली से रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को लाइक भी कर दीजिए, कुछ कॉमेंट भी करिएगा, कुछ अच्छा बुरा जैसा भी हो। तो बस दोस्तों यही है, तो जल्दी से ये मैक्रोनी पास्ता बनाते हैं। बहुत डिलीशियस सा पास्ता है ये वाला, है कौन सा होता है जो सा वाला भी होता हो ऐसा वाला पास्ता है। जल्दी से उसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं और खाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अभी इसमें मसाला पड़ना बाकी है, मैंने इसमें सिर्फ सॉसेस डाले हैं। अभी इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला अब हम लोग डालेंगे बस इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाले से टेस्टी अलग आ जाता है। डिलीशियस डिलीशियस पास्ता, बेसिक तरह से बना हुआ यम्मी पास्ता। बस अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, क्योंकि धनिया मस्त है। कांदा कांदा नहीं डाल चुके हैं, कांदा आंदा सब डाल चुके हैं। बस मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ती, ग्रीन ग्रीन धनिया, ग्रीन ग्रीन धनिया डालेंगे इसमें। हम विचार के ऐसे नहीं डालेंगे। अब बस धनिया हो गई है, अब देखिए 4 चांद लग गए हैं पास्ता में, और मैं चलाते चलाते इतना सारा पास्ता गिरा चुकी हूँ कि पूछे ही मत। चलाना नहीं आता ऐसा नहीं है, इतना अच्छा खाना मैं बना बना के आपको खिलाती हूँ, आप ऐसे कह रहे हो। सो दोस्तों ये डन हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं यम यम्मी पास्ता खाने, और उसके बाद तैयार होंगे और सीधे तैयार होके कानपुर जाने के समय आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई कानपुर चल रहे हैं होली मनाने। होली मनाने होली जैसा मनाना कुछ भी नहीं। हाँ बता दीजिए आप ही, घर में होती है तो वैसे होली। हाँ भैया एडमिट हैं तो काहे की होली। सब सामान देखिए दोस्तों पैक हो गया है और बस सारा सब कुछ हो गया है, ताला वगैरह भी लग गया है। और जल्दी से जूती पहनते हैं निकलते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और जाएंगे बस से। तो जब चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चले बैग उठा लो। अच्छा शुक्र हनु, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। चले कानपुर। हेलो कर दो, चलो आप चलो आपने पकड़ पाओ लाओ लाओ हमको लाओ, हम एक बार बोल दे फिर हम ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग हमीरपुर से इस हाईवे से आए हैं और ये सीधा हाईवे जा रहा है रनिया। और एक्चुअली है क्या कि गुजैनी से ये ऐसा वाला पुल बना हुआ है पैदल चलने वाला, तो जब आपको गुजैनी इस पार उतारता है और दबौली हम लोग ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। और आज ये पहली बार इन 6 सालों में पहली बार मैं ऐसे जा रही हूँ। चलिए वहाँ मिलते हैं आपसे घर पे सीधे। सो दोस्तों बैकग्राउंड और सारी चीज़ें देख के आप समझ गए होंगे कि मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। सो फाइनली लाइटिंग कम है ना, थोड़ा सा लाइट वगैरह चलाते हैं अब सही है। तो वो ससुराल आ गए थे
और फिर उसके बाद खाना पीना हुआ, बुआ लोग आ गई थी, मतलब बुआ मतलब मेरी बुआ सास हर्षित अर्पित को जानते होंगे उनकी मम्मी, तो वो सब आ गए थे, तो मैं बातचीत में ही सारा समय निकल गया। और मेरे तो सारे दाने हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, होने दो। तो बस दोस्तों कुछ नहीं, उसके बाद बहुत सारे बर्तन मांजे बहुत सारे बर्तन मांजे, चाय वगैरह भी 2-3 बार बन गई थी। फिर मम्मी ने कहा कि गर्मा शाम को ये चाय बनाते हैं, तो फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद दूध उबल रहा है 1-1 लीटर वाला, आधा लीटर हनु के लिए, मतलब हनु के लिए क्या मतलब, हम सब लोग जब आ जाते हैं तो मम्मी आधा लीटर एक्स्ट्रा मंगाती हैं, तो यहाँ पे 1 लीटर उबल रहा है दूध। यहाँ पे चाय बना दी है मैंने, आधा कप चाय ली है क्योंकि मैं आधे कप चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो बस दोस्तों यही सब चल रहा है, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेगी क्योंकि मेरे ना आँख और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस वाली आँख से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। और फिर उसके बाद वीडियोस पड़े हैं एडिट करने के लिए, तो अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँगी, और अभी वीडियो आज एक अपलोड भी करेंगे, और उसके बाद जो करेंगे आपको शेयर करेंगे। और कानपुर तो फाइनली आ ही चुके हैं, होली जैसा कोई माहौल है नहीं है क्योंकि भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है, और भी रीजंस हैं होली ना मनाने के। बाकी देखते हैं, अगर होली पे घर जाते हैं या जो कुछ करते हैं तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। और आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय। दूध उबल जाए जल्दी से तो मैं बैठ के चाय पीऊँ। बस हो गया दीदी को। अरे वाह, उन्होंने केक काट लिया, बुआ ने केक मंगा दिया भैया की। अरे वो भी हार्ट शेप में भैया केक है। नन्ना काटे नहीं पा रही, पावर नहीं है नन्ना तुम्हारे। अरे वाह भैया, बहुत प्यारा केक है। थैंक यू तो बोलो बुआ को, अनु बुआ को बोलो, मिस्टी को नहीं। और ये केक तो मुझे ही पसंद है इसलिए मैं भी खाऊंगी। अरे नहीं दीदी, उसको खिला रही है, नहीं दीदी हनु को खिला रही है। हनु खाओ, दीदी के हाथ से खाओ, दीदी के हाथ से खाएगा। और अब दीदी को भी खिलाओ, गुड बॉय। वो चेरी उसके लिए ले रहा है। क्या कटिंग चाय बना रहे हो? वैसे कटिंग है, कटिंग आज खाएंगे तो कल पिएंगे। बनाएगा तो अभी पिएगा। वो बोला था और कोई हमने देखा, वो पता नहीं कहां चला गया, जो बोलता था एक नंबर चाय भाभी के लिए, भाभी आई। हां अर्चित के हाथ की, वैसे भी मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, असल चाय पीते नहीं है, लेकिन अर्चित तुम्हारे हाथ की चाय मुझे अच्छी लगती है। और जब इन कपों में मिल जाएगी चाय ना, तो मजा ही आ जाएगी। बुआ हमारे लिए वैसे कप लाना यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। हनु कहाँ आए हो? हनु आओ, हनु कहाँ आए हो, कहाँ आए हो? सस्ता हो जाता था। किसके आए हो अनु, किसके आए हो?